प्रदेश का पहला गौ अस्पताल खंडवा में बनेगा। विश्व स्तरीय पशु चिकित्सालय सुविधाओं से लैस इस गौ अस्पताल का भूमि पूजन प्रख्यात कथावाचक पंडित पंकज शास्त्री ने किया। 14 एकड़ जमीन पर बनने जा रहे इस गौ अस्पताल में एक गौशाला भी होगी, साथ ही इसमें डॉक्टर और संतों के रहने के लिए निवास भी होंगे। इस स्थान पर गौमूत्र से कैंसर और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा भी होगी। इस गौ अस्पताल में गायों के इलाज की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये अध्यात्म गौ सेवा मिशन शाखा खंडवा के द्वारा 2018 मई में जब यहाँ श्रीमद् भागवत कथा हुई थी तो प्रधानमंत्री जी के अनुज पंकज मोदी यहाँ पधारे थे। उनके समक्ष हम सभी ने ये संकल्प लिया था कि खंडवा की पावन भूमि पे हम एक विशाल गौ माता का अस्पताल तैयार करेंगे। तो आज उसी गौ भूमि को हमने पूजन किया है जिसमें कि ये गौशाला और अस्पताल का निर्माण होना है। और अध्यात्म गौ सेवा मिशन के लिए है इसलिए इसका नाम हमने रखा है अध्यात्म गौ मंदिर। मंदिर कारण कि जिस तरह मंदिर में भगवान की पूजा की जाती है, भगवान की सेवा की जाती है, यहाँ पे गौ माता की उसी तरह से सेवा पूजा की जाएगी। विशेषतया तो गौ माता का अस्पताल बनाया जाएगा जिसमें कि पूर्ण सुविधा, पूरे विश्व में हमारा प्रयास ये रहेगा पूरे विश्व में गौ माताओं के लिए जितनी भी सुविधाएं वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने उपलब्ध कराई हैं वो सारी हम खंडवा की भूमि पर लेके आएँ। 4 एम्बुलेंस हम लोग रखेंगे जो कि 100-200 किलोमीटर दूर से भी अगर कोई गौ माता घायल है तो उनको यहाँ लाया जाएगा और पूर्ण रूप से यहाँ इलाज करके स्वस्थ करके उनको वापस वहाँ भेज दिया जाएगा। माता के लिए यहाँ पे गौ